दिख रही है ना कितनी कुरकुरी और मजेदार। इनको बनाना काफी आसान है और आपको ये जान के बहुत सरप्राइज होगा कि ये आटे से बनी है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शिल्पी एंड वेलकम टू फूड्स एंड फ्लेवर्स। आज मैं आपके लाई हूँ आटे से बनी हुई बहुत ही कुरकुरी और मजेदार स्नैक। तो आइए देखते हैं इनको कैसे बनाया जाता है। इसके लिए हम सबसे पहले बहुत ही मजेदार तीखी और चटपटी चटनी बनाएंगे। इसके लिए यहाँ पर मैंने कुछ लिए हैं पुदीने के पत्ते, मिंट लीव्स, बिल्कुल अंदाजे से ले लें, कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। थोड़ा सा इसमें डाल देंगे धनिया, इसमें डाल देंगे ये दो मिर्ची हरी मिर्च, काफ़ी सारा लहसुन डालेंगे ये देखिए, और अब हम इसमें निचोड़ देंगे ये नींबू। इसमें डाल देंगे सॉल्ट, एकदम थोड़ा सा पानी डालें, बहुत थोड़ा, नहीं तो चटनी पतली हो सकती है, और इसको पीस लेंगे अब हम। तो ये देखिए चटनी बनकर बिल्कुल तैयार है। और आइए अब हम इसके लिए एक आटा गूंथेंगे। आटा गूंथने के लिए यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है और इसमें मेरे पास यहाँ पर है 1 कप गेहूँ का आटा। तो ये मैदा नहीं यूज़ कर रहे हैं आज हम, गेहूँ का आटा यूज़ कर रहे हैं। इसमें मैं ला देंगे 1/2 कप सूजी, इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, 1/4 कप तेल। तो तेल जो है बहुत ज़रूरी है इस रेसिपी में इसको क्रिस्प रखने के लिए। इसको बहुत अच्छे से आप हाथों से मिला दें। तो ये देखें हमने इसको बहुत अच्छे से मिक्स किया है, आप देखें इसकी मुट्ठी बन रही है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल तैयार है। इसमें हम डालेंगे हल्का गुनगुना पानी और एक सॉफ्ट और स्मूथ सा डो बनाएंगे। डो को बहुत हार्ड नहीं रखना है क्योंकि इसमें हमने सूजी डाली है, थोड़ी देर बाद सूजी फूलेगी और हमारा डो नहीं तो बहुत हार्ड हो जाएगा। तो ये देखें हमने आटे को इस तरह से गूंथ लिया है थोड़ा थोड़ा पानी करके, और मैंने इसको 3 से 4 मिनट तक गूंथा है ऑलमोस्ट। हम इसको कवर कर देंगे और 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, और जब तक आइए हम अपनी स्टफिंग तैयार करेंगे। स्टफिंग बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कप उबला हुआ आलू लिया है, जिसको कि मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है। इसमें हम डालेंगे 1 महीन कटा प्याज, 1 छोटा महीन कटा शिमला मिर्ची, 1/4 कप उबले हुए मटर के दाने। इसके साथ ही इसमें डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच अमचूर पाउडर या खटाई पाउडर, आप नींबू के जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़े से चिली फ्लेक्स, आप चाहे तो हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर। और अब हम इसमें डालेंगे चटनी जो कि हमने पहले बनाई थी, तो इसमें 1 चम्मच भर के करीब अच्छे से चटनी डालेंगे हम। इसके साथ ही इसमें ऐड करेंगे बहुत थोड़ा सा नमक, क्योंकि चटनी में भी नमक है। और अब हम इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इसमें जो हमने चटनी डाली है उससे स्टफिंग का टेस्ट बहुत ही मज़ेदार आता है, आप उसको स्किप ना करें। तो ये देखें स्टफिंग बिल्कुल तैयार है, और आइए आप अपना आटा चेक करते हैं और पैटीज बनाते हैं। तो हम आटे को चेक कर लेंगे, ये देखें इसको हम अपने रोलिंग बोर्ड पर निकाल लेंगे, तो एकदम परफेक्ट है जैसा कि हमें चाहिए था। हम इसका एक पेड़ा लेंगे इस तरह से, इसको आप अच्छे से हाथों में गोल कर लें। हम इसके कॉर्नर्स थोड़े इस तरह से दबा देंगे जिससे कि ये बेलते समय जो है वो फटेगा नहीं। और हम अपना रोलिंग पिन लेके इसको पतला सा बेल लेंगे। तो अगर ये साइड से थोड़ा सा क्रैक्स आपको अगर दिख रहे हैं तो दोबारा से हाथों से इसको इस तरह से दबा लें और फिर बेलें। तो ये देखें एकदम बेलकर जो है तैयार है, हमें इसी तरह का चाहिए ये। अब जो इसके साइड्स हैं हम इस तरह से काट के निकाल देंगे, क्योंकि हमें इसका एक स्क्वायर पीस चाहिए। ये देखें इसको वापस हम आटे में मिला देंगे। तो ये थोड़ा तिरछा कटा है, मैं एक सा कर देती हूँ उसको, ये देखें कुछ इस तरह से। और अब हम इसको इस तरह से बीच से काटेंगे और इस तरह से कट लगा देंगे इसमें, ये देखें। तो हमारे पास इस तरह के ये रेक्टेंगल्स बन के तैयार हैं। हम इसके चारों तरफ लगा देंगे ये मैदे का घोल, जिसको कि मैंने पानी में बस मैदा डाल के उसको अच्छे से घोल लिया था। हम इसमें डालेंगे स्टफिंग, बहुत ज़्यादा स्टफिंग ना भरें, सेंटर में थोड़ी सी स्टफिंग डालेंगे, ये देखें कुछ इस तरह से। और बस अब हमें इसका बनाना है ट्रायंगल, तो हम एक साइड लेंगे इसकी और दूसरी साइड पर इस तरह से रख देंगे और हल्के हाथों से इसको इस तरह से चिपका देंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से हाथों में लेंगे और अच्छे से जो है इसके कॉर्नर्स जो है वो दबा देंगे, ये देखें कुछ इस तरह से। तो देखिए परफेक्ट ट्रायंगल बनके तैयार है, हल्का सा हाथों के बीच में इस तरह से दबा दें। और अब हम एक ये फोक लेंगे और इसके साइड्स जो है हल्के से दबा देंगे जिससे कि ये पूरी तरह सील हो जाएगा और तलते समय बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। तो ये देखिए बिल्कुल तैयार है, इसी तरह से मैं सारे ट्रायंगल तैयार करूँगी और फिर इसके बाद हम इनको फ्राई करेंगे। तेल हमारा अब अच्छे से गर्म हो चुका है, अब हम इसमें ये पैटीज डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने आंच को मीडियम पे रखा हुआ है, हम इनके ऊपर हल्का सा तेल इस तरह से डाल देंगे, ये देखिए कुछ इस तरह से, जिससे कि अच्छे से सिक सकें। और अब हम क्या करेंगे, इनको पलट देंगे, बिल्कुल धीमे हाथों से पलटें इनको, ये
ये देखिए बिल्कुल तैयार है, एकदम क्रिस्प हो गए हमारी पैटीज, हम इन्हें निकाल लेंगे। तो बहुत ध्यान रखिएगा आप इनको बिल्कुल तेज़ आंच पे ना सेक दें, थोड़ा सा मीडियम टू लो फ्लेम पर सेकें तो एकदम परफेक्ट बनेंगी, क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार। तो ज़रूर ट्राई करें, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।